आज हम करते हैं ओब्लिक जो एसिम्प्टोट है किसी भी कर्व का वो कैसे निकालते हैं। एक मेथड हमने पहले भी किया था कि ओब्लिक एसिम्प्टोट को कैसे निकाला जाता है। एक इससे अलग जो है एक मेथड है ओब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने का। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन से जो है हम इस कंसेप्ट को जो है क्लियर करते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो है क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखे हैं कि इसमें जो है एसिम्प्टोट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट है क्या। सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है इन एक्स में उसका कोफिशेंट हमारे पास वन है उसको जीरो करते हैं। वो जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब एक्स के को पैरेलल कोई भी हमारे पास जो है एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम वाई क्यूब का वो माइनस टू है वो भी जीरो कभी नहीं हो सकता तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम जो है ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालते हैं। ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म्स हैं उनको लेते हैं। ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई। इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये उधर जाके हमारे पास जो है बन जाएगा वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वन। तो ये जो है हमारे पास हाईएस्ट डिग्री की जो है टर्म है इसको जो है हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है हमारे पास उनको हम फैक्टराइज करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप से। इस फॉर्म में हम जो है उसको करेंगे और जब हमारे पास इस तरह से फैक्टर आ जाएंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एसिम्प्टोट निकलते हैं। जैसे एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सी वन एक एसिम्प्टोट निकलेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टू निकलेगा और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी थ्री एक एसिम्प्टोट निकलेगा। तो तीन जो है यहाँ पर एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं सी वन की वैल्यू। अब सी वन की वैल्यू इसको निकालने का एक तरीका है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी। अब जो हमारे पास ये टर्म बची हुई है वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वन, ये वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वन अपोन, जब यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू ये है तो एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू ये दिस अपोन दिस आ जाएगी, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जो है होगी। अब हम इसको जो है वाई अपोन एक्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं। इसको वाई अपोन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो है इसको एक्स स्क्वेयर से तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा और एक्स स्क्वेयर से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाई अपोन एक्स इंटू वाई अपोन एक्स माइनस वन माइनस वन अपोन एक्स स्क्वेयर अपोन वन माइनस वाई अपोन एक्स इंटू वन प्लस वाई अपोन एक्स। तो इस तरह से जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो है एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपोन एक्स इज इक्वल टू एम। अब ये कहाँ से आता है m, वो जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हम इक्वेशन लेके चलते हैं वहाँ से m निकालते हैं। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सी वन होता है, फॉर्मूला होता है y प्लस एम एक्स इक्वल टू सी, यहाँ से हमारे पास होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से जो हम वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है m की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू। एक और हमारे पास जो है डायरेक्ट भी हम निकालते हैं कि माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई। एम का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई। ये भी एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का हमारे पास। तो एम की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन बाई टू, इस माइनस वन बाई टू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू इंटू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। और ये हमारे पास जो है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन तो प्लस वन बन जाएगा और वन माइनस वन बाई टू। एक्सटेंस टू जब इन्फिनिटी करेंगे तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो सिर्फ ये रहेगा। तो ये हमारे पास फाइनली जब हम सोल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर वन आ जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं कि C1 की वैल्यू जो है यहाँ से 1 आ जाती है।
उसके बाद हम सी टू की वैल्यू निकालेंगे और सी थ्री की निकालेंगे। अब दूसरा जो पेयर है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, उसके लिए हम लेते हैं ये एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टू भी हमारे पास जो एक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सी टू की वैल्यू निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन। यहाँ से अब हम एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वल था इसके, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दिस अपॉन दिस वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको भी हम जो है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वन प्लस वाई अपॉन एक्स। अब फिर हमें वाई अपॉन एक्स की वैल्यू की ज़रूरत है, वो होती है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम। अब एम की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आ जाएगी वन। यहाँ से वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, तो माइनस वन कैंसिल तो वन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन इंटू वन माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वन प्लस वन। अब ये यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जीरो, ये जीरो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो सी टू की वैल्यू जीरो। तो सेकंड एसिम्प्टोट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फर्स्ट एसिम्प्टोट हमारे पास आया है क्या, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सी वन, यानी कि सी वन की वैल्यू वन आई है। अब हम निकालते हैं थर्ड एसिम्प्टोट। थर्ड एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम जो है सी थ्री की वैल्यू निकालेंगे। अब सी थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से जो है हमने सी थ्री की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो है सी थ्री होगा। तो सी थ्री की वैल्यू निकालने के लिए सी थ्री इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ एक्स प्लस वाई की, तो वो आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर भी जो है हम इसको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टू अपॉन एक्स टू वाई अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स। अब अगेन हम यहाँ से जो है एम की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी माइनस वन। तो माइनस वन जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये तो अभी यहीं रहेगा, वन प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू वन प्लस वन हो जाएगा। तो ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये तो जीरो, ये आ जाएगा प्लस टू अपॉन ये टू हमारे पास, और ये आ जाएगा माइनस वन। तो ये फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस वन। तो थर्ड एसिम्प्टोट आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास तीन एसिम्प्टोट आ गए, एक तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस तरह से जो है हमारे पास एसिम्प्टोट आ जाते हैं। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि एसिम्प्टोट्स का और कर्व का जो है इंटरसेक्शन कैसे होता है और कितने पॉइंट पर होता है। कर्व का और एसिम्प्टोट का जो इंटरसेक्शन है वो एन माइनस टू पॉइंट पे होता है। जितने डिग्री की हमारे पास इक्वेशन है उसमें से हम टू सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्प्टोट्स एन माइनस टू पॉइंट्स पर होगा। और कैसे निकालेंगे हम एक कर्व और एक एसिम्प्टोट का इंटरसेक्शन, उसके बारे में जो है हम बात करते हैं। उसके लिए अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था, ये हमने एसिम्प्टोट निकाले थे, हम लिख लेते हैं इनको एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। हम सभी एसिम्प्टोट्स को जो है मल्टीप्लाई करके जो है लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो फाइंड आउट करते हैं। पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की जो है इक्वेशन आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास यही इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन जो है हमारे पास आई है जो हमने एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई किया तब। अब इसके बाद हम देखते हैं जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में,
वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो थी एक्स क्यूब, ये है गिवन, एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई एंड प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जो है हमारे पास थी। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब और ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो है हमारे पास इक्वेशन आई हुई है, ये हमारे पास जो है गिवन इक्वेशन है और ये हमारे पास जो है एसिम्प्टोट की जो है इक्वेशन है। इसमें से और इसमें से हम इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। वैसे हमारे पास इंटरसेक्शन मोस्टली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का आता है, लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ से, अब इसको कंपेयर करते हैं, ये एक्स क्यूब हमारे पास, ये एक्स क्यूब है इधर, ये हमारे पास सेम चीज़ है इधर से, ये सेम है हमारे पास। अब इधर से जो है हमारे पास ये एक्स वाई जो है ये भी सेम है हमारे पास, माइनस वाई स्क्वेयर सेम है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है हमारे पास वो है माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर, और नहीं ये माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर नहीं, ये माइनस सिर्फ एक्स वाई स्क्वेयर आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी हमारे पास सेम, तो सिर्फ और सिर्फ ये वन हमारे पास है और ये माइनस एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास है। अगर मैं कहूँ कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे पास बचेगा वन प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का जो है इंटरसेक्शन हमारे पास बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो लाइन हमारे पास आई है ये इसी लाइन पे जो है एसिम्प्टोट के और कर्व के जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसी लाइन पे लाई करेंगे। अब जो है इस लाइन पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, अब ये हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पर थ्री है, एन की वैल्यू थ्री है, तो ये हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला एन इंटू एन माइनस वन, सॉरी वो एन माइनस टू नहीं, एन इंटू एन माइनस टू होगा। तो यहाँ पर थ्री इंटू थ्री माइनस टू, यानी कि थ्री पॉइंट पे जो है इस कर्व का और एसिम्प्टोट का जो है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तीन ही पॉइंट आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।